हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, ये टर्म 2 का चैप्टर है। मतलब अभी CBSE ने टर्म 1 टर्म 2 में डिवाइड कर दिया है, तो टर्म 2 का ये चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। पहले हम इसकी थोड़ी कुछ बेसिक ठीक है चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझेंगे, उसके बाद फिर हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जो बोर्ड में आए हुए हैं या बोर्ड में आ सकते हैं। ठीक, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो तुम लोगों ने पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा होगा, 10th में ही पढ़ा था। ठीक है, उस पॉलिनोमियल चैप्टर में एक पॉलिनोमियल पढ़ा था, ax² + bx + c। ठीक है, इस टाइप का एक पॉलिनोमियल पढ़ा था, जैसे हम बोलते थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते थे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब जैसे अगर हम बात करें इस पॉलिनोमियल में मैं एक्स की जगह क्या क्या रख सकता हूँ, तो भाई मैं एक्स की जगह कोई भी रियल नंबर रख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ हम वी कैन पुट एनी रियल नंबर। ठीक है, इन PX। ठीक है भाई, हम कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, दैट इज एक्स बिलोंग्स टू आर, कुछ भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर अगर मैं इस पॉलिनोमियल में कंडीशन लगा दूं कि PX क्या होना चाहिए? जीरो। ठीक है, PX क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। ठीक है, मींस ax² + bx + c इज इक्वल्स टू जीरो। तो अब इस पॉलिनोमियल में जिसमें मैंने कंडीशन लगा दी इक्वल्स टू जीरो, अब तुम एक्स की वैल्यू कुछ भी नहीं पुट कर सकते। ऑल रियल नंबर्स यू कैन नॉट पुट इन दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि अब मुझे एक्स की वो वैल्यूज रखनी है जिसके लिए मेरे पॉलिनोमियल क्या मिले? जीरो मिले। तो अब हमको हमें रिस्ट्रिक्शन लगा दी हमारे ऊपर कि भाई अब जीरो ही मिलना चाहिए, तो हम एक्स की वैल्यू बस वही रख सकते हैं जिसको पुट करने पर पॉलिनोमियल में हमें जीरो मिल जाए। ठीक, तो अब यहाँ हमारे पास रिस्ट्रिक्शन आ गया, भाई जीरो आना चाहिए, तो अब एक्स की वही वैल्यूज हम रख सकते हैं जिसके लिए पॉलिनोमियल जीरो होगा। तो यहाँ ऐसी कितनी एक्स की वैल्यूज होंगी जिसके लिए पॉलिनोमियल जीरो होगा? तो बड़ा आसान सा तरीका है, हम इसकी डिग्री पे बात करते हैं, इसकी डिग्री कितनी है। तो डिग्री इस पॉलिनोमियल की है 2। ठीक है, डिग्री को हम बोलते हैं हाईएस्ट पावर। डिग्री को हम क्या बोलते हैं? हाईएस्ट पावर। तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 2। अब कितनी एक्स की वैल्यूज हैं जिसके लिए जीरो देगा? तो बड़ा आसान है, इसकी डिग्री देख लो, इसकी डिग्री कितनी है? 2। तो इसके नंबर ऑफ जीरोज भी कितने होंगे? 2 होंगे। ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, नंबर ऑफ रूट्स बोल सकते हो, कितने होंगे? 2। ठीक है, अब जब मैंने इधर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया ax² + bx + c = 0, तो अब ये पॉलिनोमियल कहलाती है इक्वेशन। ठीक है, ये पॉलिनोमियल क्या कहलाएगी? इक्वेशन। जब भी किसी पॉलिनोमियल में तुम कुछ कंडीशन लगा देते हो, इक्वल्स टू जीरो लगाते हैं जनरली, तो पर तुम इक्वल्स टू कुछ और भी लगा सकते हो, तो वो कन्वर्ट हो जाती है इक्वेशन में। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस में कन्वर्ट हो गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो दिस ax² + bx + c = 0 जो हमारा एक्सप्रेशन है वो क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ax² + bx + c = 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमें समझ में भी आ गया कि इसके कितने जीरोज होंगे, इसके जीरोज कितने होंगे, या रूट्स बोल सकते हो। जनरली हम इक्वेशन में हम रूट्स की बात करते हैं, जीरोज नहीं बोलते, जीरोज हम पॉलिनोमियल में बोलते हैं। तो इसके कितने रूट्स होंगे? 2 रूट्स होंगे, इट हैज 2 रूट्स। ठीक है, इनके कितने रूट्स होंगे? 2 रूट्स होंगे। रूट्स का मतलब दोज वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन, जो इक्वेशन को क्या करे? सेटिस्फाई करे। रूट्स क्या होते हैं? दोज वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिस्फाइज इक्वेशन। ठीक है, दैट इज LHS इक्वल्स टू RHS। LHS किसके बराबर आ जाए? RHS के बराबर आ जाए।
ठीक है। तो यहाँ कितने रूट्स होंगे इसके, दो। अब इन रूट्स को हम बोलते हैं अल्फा एंड बीटा। दीज रूट्स आर कॉल्ड, दीज रूट्स आर नेम्ड एज, ये आर नेम्ड एज आर कॉल्ड अल्फा एंड बीटा। इसके कितने, इनके रूट्स को हम बोलेंगे अल्फा एंड बीटा। अच्छा, इस इक्वेशन में हम जरा थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। तो अगर हम बात करें तो ए हमारा क्या होगा, इसे हम बोलते हैं कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए कहलाता है कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो, तुमने सेवन्थ एट्थ में ये सब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जब पढ़ा होगा तो ये समझा होगा कि भाई वेरिएबल के साथ जो भी मल्टीप्लाई में होता है उसे हम बोलते हैं कोफिशेंट, और जिसमें वेरिएबल नहीं होता उसे हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट। तो ये ए जो है वो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में, इसलिए इसे हम कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोलेंगे। बी हमारा कहलाएगा कोफिशेंट ऑफ एक्स, और सी हमारा कहलाएगा कॉन्स्टेंट, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। यहाँ ये तीनों जो होंगे ए बी सी, ये तीनों आर को बिलोंग करेंगे। अच्छा, ये जो साइन है, तुम लोग टेंथ में हो तुम्हें ये पता नहीं होगा, इस साइन को हम बोलते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है। तो हमारा ए बी सी किसको बिलोंग करेगा, रियल नंबर को करेगा। आर स्टैंड्स फॉर रियल नंबर, ये तुम लोगों को पता होगा, ठीक है। तो ए बी सी हमारे आर होंगे, और एक कंडीशन और है, ठीक है। ए नेवर इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ए कभी ज़ीरो नहीं होगा भाई। अगर ए ज़ीरो हो गया ना तो एक्स स्क्वायर ही ख़त्म, और एक्स स्क्वायर ख़त्म तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक रहेगी नहीं, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हमेशा क्वाड्रेटिक रहने के लिए एक नॉन ज़ीरो होना चाहिए, ए ज़ीरो नहीं होगा कभी भी। अगर ए ज़ीरो हो गया तो ये टर्म ही ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। मैंने ए को अगर ज़ीरो कर दिया, ए अगर इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, तो ज़ीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हमारे पास ज़ीरो इंटू एक्स स्क्वायर ज़ीरो होता है, तो बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो, ये इक्वेशन अब लीनियर कहलाएगी। क्या कहलाएगी, लीनियर। तो भाई इसे क्वाड्रेटिक बने रहने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, वो नॉन ज़ीरो होगा, ठीक है। नॉन ज़ीरो का मतलब नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, पर ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। तो इसके कितने, दो रूट्स होते हैं अल्फ़ा बीटा, ठीक है। ए बी सी आर कॉल्स, आर बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए नॉन ज़ीरो होगा, ए को हम कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी को कोफिशेंट ऑफ एक्स, और सी को हम क्या बोलेंगे, कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई, ज़रा थोड़ा सा नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं। देखो, इस चैप्टर में हमें समझना क्या है, इस चैप्टर में हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स निकालने हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या निकालने हैं, रूट्स, ठीक है। और हमें कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स दी जाएंगी, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स जिन्हें बोलते हैं। उन वर्ड प्रॉब्लम्स में हमें इक्वेशन को फॉर्म करना है, फिर इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास तीन तरीके होते हैं, ठीक है। टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन देर आर थ्री मेथड्स, तीन मेथड्स हैं हमारे पास। पहला, फैक्टराइजेशन, जो तुम एट्थ से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, जैसे हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी बोलते हैं। सेकेंड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जो इस साल सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है, इस मेथड पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। वैसे ये मेथड थोड़ी काम की है, ट्वेल्थ में जब तुम मैथ्स अगर लेते हो तो इंटीग्रेशन में ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगती है, ठीक है। तो वो उस टाइम समझ लेंगे, ऐसी कोई टफ मेथड नहीं है। तुम ट्वेल्थ में भी अगर समझने जाओगे तो कुछ एक दो क्वेश्चन करने के बाद तुम्हें से आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की जाती है। तो अभी हम इसको पढ़ेंगे नहीं। और तीसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो सबसे ईजी मेथड है, ठीक है, रूट्स को फाइंड करने की, ठीक है, रूट्स को फाइंड करने की सबसे ईजी मेथड हमारी है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक। तो हमें ये दो मेथड्स यहाँ जनरली पढ़नी है, फैक्टराइजेशन एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड उन्होंने हटा दी गई। अच्छा, एक चीज़ और, अल्फा बीटा हमने इनके रूट्स बोले हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो के। तो यहाँ हम बात करें अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, जैसे हम सम ऑफ रूट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सम ऑफ रूट्स, वो होता है माइनस बी बाय
माइनस कोफिशेंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड अल्फा इंटू बीटा होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो कि होता है सी बाय। ठीक है, ये चीज़ें भी तुम्हें पता होनी चाहिए, कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए आती है या कभी सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने के लिए आते हैं, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय होता है और अल्फा इंटू बीटा सी बाय। ठीक है, ये कैसे आए, ये पॉलिनोमियल चैप्टर का पार्ट है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा और तुम उसे देख सकते हो कि भाई ये सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाय कैसे आया और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाय कैसे आया। अभी इस चैप्टर के लिए हमें नेसेसरी नहीं है समझना कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय कैसे है और सी बाय कैसे है, तुम्हें बस इसमें याद रखना है। अच्छा, अगर तुम्हें किसी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है, तुम्हारे पास सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, तो इक्वेशन फॉर्म कैसे होगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है व्हेन सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर गिवन। जब सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन होंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम इस तरह से फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है व्हेन सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर गिवन। ठीक है, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर गिवन। सम और प्रोडक्ट रूट्स का गिवन होगा। ठीक है, तो अब हम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, समझेंगे। तो उसको पढ़ने के लिए हमें कुछ एक क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि फैक्टराइजेशन मेथड होती कैसे है। ठीक है, तो उस फैक्टराइजेशन मेथड को समझेंगे हम एक नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का बटन दबाओ। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करो। नेक्स्ट वीडियो में हम फैक्टराइजेशन मेथड को समझेंगे, किस तरह से फैक्टराइजेशन मेथड की जाती है, और उस पर कुछ क्वेश्चंस को हम देखेंगे। ठीक, गुड बाय।